Hey guys, welcome to the academy and welcome to this very special class on the logical reasoning marathon. And now we are going to do the real part, the passage based question. Jaisa ki mujhe intezar tha, jaisa ki vishwas tha ki kuch bacche nahi aayenge, aur aisa hi hua hai that there are few of you that I can see who are part of the leaderboard even were not in the class. But I hope that aap sab log apne raaste mein hi ho aur jaldi se aane wale ho. All right. And I hope aapke sare kaam bhi khatam ho gaye the. Matlab itna lamba break hai to aap relax feel kar rahe ho aaram se. And you are all set इतने लंबे ब्रेक के बाद टू स्टार्ट विद योर लॉजिकल रीजनिंग प्रिपरेशन. ऑलराइट, मेरा नाम दिव्य है, मैं आपका अकेडमी क्लैट एडुकेटर हूं. आप लोग मेरे साथ टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ सकते हो. टेलीग्राम चैनल पर ऑल यू नीड टू डू इज सर्च दिव्य कुमार गर्ग एंड यू विल बी एबल टू फाइंड द टेलीग्राम चैनल. टेलीग्राम चैनल पर आपको मेरी सारी नोटिफिकेशन नोट्स और क्लास में बनने वाले बहुत सारे दोस्त भी आपको मिल जाएंगे. ऑलराइट, इसी के साथ आई वुड लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट ऑल द क्लैट 2023 टॉपर्स जिनको हमने अवार्ड भी दिया है इस बार. तो वी हैव गिवन कैश रिवॉर्ड टू ऑल द क्लैट टॉपर्स. साथ ही में लास्ट चांस है आपके पास अवेल करने का 24% ऑफ ऑन योर सब्सक्रिप्शन. अभी ये ऑफर जो है ये रिपब्लिक डे का ऑफर था जिसको 31 जनवरी तक के लिए बढ़ा दिया गया है ना, तो 31 जनवरी तक आप इसको खरीद सकते हो. साथ ही में आप बैच ज्वाइन कर सकते हो, 27 जनवरी से शुरू हुई है. फिर आप में से कोई भी प्रेपरेशन की प्लान कर रहा है ना, तो दिस इज वन बैच दैट वी हैव रिसेंटली स्टार्टेड. 3 क्लासेस अभी तक इसमें हुई है, तो आप डेफिनेटली इसका पार्ट बन सकते हो गाइस. ऑलराइट, चलिए स्टार्ट करें क्लास को. पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस की क्लास है ये. हाय श्रेया, केशव, रिया, सुमेधा, हितांशी, वेलकम टू द क्लास. ऑलराइट, चलिए लेट्स बिगिन. हियर कम्स द फर्स्ट पैसेज. पहला पैसेज हमारा यहाँ पर आ रहा है. लेट्स क्लैट इट आदि. थैंक्स अ लॉट. हाय वैभव, हाय हितांशी, अंशिका, शिवम, विशाखा, वेलकम टू द क्लास. It will have one slide only. लेकिन इसके बाद भी और questions, और भी passages हैं. आज 3 passages कम से कम करना है. Good evening Atul. Giving you okay. How many of you have done reading it? कितने लोग अभी भी पढ़ रहे हैं इसको? वैभव दुर्विश ने तो पढ़ लिया है, बाकी लोग अभी पढ़ रहे हो क्या इसको?
Hi, Anshika. All right. ठीक है, दिस वॉज अ स्लाइटली डिफिकल्ट पैसेज जिसमें हमसे बोला जा रहा था कि एक कंपनी ने सोचा कि वो अपने क्लैरिकल वर्कर्स का ओवरऑल परफॉर्मेंस बढ़ा देगी. इसके लिए वो एक मॉनिटरिंग सिस्टम लेकर के आए जिसका नाम था कंप्यूटराइज्ड परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल सिस्टम. अब इससे क्या हुआ, ठीक है, इसमें यह देखा गया कि रिसर्चर ने मॉनिटर लोगों से पूछा कि किस तरह से काम कर रहे हैं वो लोग. तो उन्होंने बोला कि प्रोडक्टिविटी हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, लेकिन उनकी रेटिंग से ये पता चला कि नहीं यार, प्रोडक्टिविटी इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है. वो लोग अटेंडेंस, एक्यूरेसी, इंडिकेशन ऑफ कस्टमर सेटिस्फेक्शन, इन सबको भी काम दे रहे हैं. ठीक है, तो बेसिक कंक्लूजन इस पैसे से निकल करके आएगा कि क्लैरिकल वर्कर्स को, है ना, क्लर्क के वर्कर कौन होते हैं, जो लिखा पढ़ी का काम करते हैं, बेसिकली अकाउंटिंग स्टाफ जो होता है वो क्लैरिकल वर्कर होते हैं, है ना. तो दीज आर नोन एज ब्लू कॉलर, व्हाइट, somewhere between white and blue. They are not properly white collar jobs, but they are also not properly blue collar job. है ना, ये कोई physical labor नहीं करते, ये बस लिखा पढ़ी का काम करते हैं, उस तरह का job रहता है इनका. All right? Yes. According to the passage, before the final results of the study were known, which of the following seemed likely? ऑलराइट, अभय, हिमांश, ध्रुविश, सोहम, स्नेहा, गुरुशी, जयशिव, सारा, प्रीतम एंड वैभव, वेरी वेल डन. नंदनी, ज्योत्सना, अनिमेश, वेलकम टू द क्लास. अकॉर्डिंग टू द पैसेज, बिफोर द फाइनल रिजल्ट्स ऑफ द स्टडी वर नोन, विच ऑफ द फॉलोइंग सीम्ड लाइकली. तो देखो, शुरुआत में हमको क्या लग रहा था, वर्कर्स को लग रहा था कि प्रोडक्टिविटी के कारण क्या हो रहा है, उनकी रेटिंग पे फर्क पड़ रहा है. ठीक है, तो क्या हो रहा था कि उनको लगता था कि उनकी जितनी हाई प्रोडक्टिविटी होगी उतनी हाई रेटिंग होगी, दैट द हाईएस्ट परफॉर्मेंस रेटिंग वुड बी अचीव बाय वर्कर विद द हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी. लेकिन फाइनल रिजल्ट आए तो उसके बाद हमको पता चला कि प्रोडक्टिविटी के अलावा भी कई सारे फैक्टर्स हैं जिनको देखा जा रहा है. राइट, समझ में आया आप लोगों को ये? आर यू एबल टू अंडरस्टैंड दिस? यस, ओके, चलो. इट कैन बी इन्फर्ड दैट द ऑथर ऑफ द पैसेज डिस्कसेस अनमॉनिटर्ड वर्कर्स प्राइमरीली इन ऑर्डर टू. कोई बात नहीं नंदनी, इस पैसेज के बाद अगले पैसेज हो जाएगा, है ना, बस ये 2-5 मिनट की बात है, फिर नया पैसेज भी हम करेंगे.
All right. स्नेहा से लेकर के गुरुषि तक ये गलत क्यों हुआ? It can be inferred that the author of the passage discusses unmonitored workers primarily in order to compare the ratings of these workers with the ratings of monitor worker. बिल्कुल नहीं. जिन बहुत सारे लोगों ने ए लगाया, और ए पिछली बार जब मैंने ये पैराग्राफ करवाया था ना क्लास में, तब भी बहुत सारे लोगों ने लगाया था. अरे यार आप एक बात बताओ, अनमॉनिटर्ड वर्कर्स का मतलब क्या होता है? ऐसे वर्कर जिनका कोई मॉनिटरिंग नहीं हो रही, जिनको कोई देख नहीं रहा है. तो अगर उनको कोई देख नहीं रहा है तो उनको तो रेटिंग्स देखेंगे ही नहीं ना. क्या अगर हम उनको रेटिंग देंगे तो वो मॉनिटर्ड नहीं हो जाएंगे? आप कुछ सोच करके देखो ये वाली बात. तो ये तो आंसर ही नहीं हो सकता. यू कैन नॉट कंपेयर द रेटिंग ऑफ अ पर्सन हु इज अनमॉनिटर्ड, क्योंकि उसकी रेटिंग ही नहीं है. जिसकी रेटिंग नहीं है उसकी रेटिंग कंपेयर थोड़ी होगी. होगी क्या? नहीं हो सकती. बी सी डी क्या बोलते हैं? बी, प्रोवाइड एन एग्जांपल ऑफ अ केस इन विच मॉनिटरिंग माइट बी इफेक्टिव. क्या मॉनिटरिंग का कोई फायदा बताया है कि मॉनिटर करना चाहिए? ऐसा कोई फायदा नहीं बताया है दोस्तों. सी, प्रोवाइड एविडेंस ऑफ एन इनअप्रोप्रिएट यूज ऑफ CPMCS, कि ये गलत यूज हो रहा है. ये भी नहीं. देखो ये बहुत इजी था एलिमिनेशन से. एम्फसाइज द इफेक्ट दैट CPMCS मे हैव ऑन वर्कर परसेप्शन ऑफ देयर जॉब्स. अगर आपको ध्यान होगा तो पहले अनमॉनिटर वर्कर ने बोला था कि वो कस्टमर वैल्यू एनहांसमेंट पे काम करते हैं, और मॉनिटर्ड वालों ने बोला था वो प्रोडक्टिविटी पे काम करते हैं, है ना? ये मैं आपको बताता हूं कहां पे. आइडेंटिफाइड, देखो, इन कॉन्ट्रास्ट टू अनमॉनिटर्ड वर्कर्स डूइंग द सेम वर्क हु विदाउट एक्सेप्शन आइडेंटिफाइड द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट इन देयर जॉब्स एज कस्टमर सर्विस. तो उन लोगों को क्या लग रहा था? कस्टमर सर्विस वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट. द मॉनिटर वर्कर्स एंड देयर सुपरवाइजर ऑल रिस्पॉन्डेड दैट प्रोडक्टिविटी वॉज द क्रिटिकल फैक्टर इन असाइनिंग रेटिंग. तो एक इंसान को लग रहा था प्रोडक्टिविटी इंपॉर्टेंट है, दूसरे को लग रहा था कस्टमर सर्विस इंपॉर्टेंट है. आया समझ में? यस, नो, हा ना? ऑलराइट, यस. एक मिनट. ये विच ऑफ द फॉलोइंग इफ ट्रू वुड मोस्ट क्लियरली हैव सपोर्टेड द कंक्लूजन रेफर टू इट. अच्छा ये अपने को रेफर तो करा नहीं था तो छोड़ो इसको. अपन चलते लास्ट क्वेश्चन. बट द प्राइमरी पर्पस ऑफ द पैसेज इज टू. Easy. यस, स्नेहा, हिमांश, गुरुषि, जयशिव, प्रीतम आदि, वैभव, केशव, चारितव्य. चारितव्य आई होप मैं आपका नाम सही पढ़ रहा हूँ. थोड़ा सा कठिन नाम है तो आप मुझे करेक्ट कर देना अगर मैंने आपका नाम ठीक नहीं लिया है तो. एन अंशिका. चलिए, द प्राइमरी पर्पस ऑफ द पैसेज इज टू. प्राइमरी पर्पस क्या है? एक्सप्लेन द नीड फॉर द इंट्रोडक्शन ऑफ एन इनोवेटिव स्ट्रेटेजी. CPCMS क्यों इंट्रोड्यूस किया गया ये समझाया है क्या हमको? कि देखो यार ये फायदा होगा इसलिए इंट्रोड्यूस करा था. क्या हुआ था? वर्कर भाग जा रहे थे तो वर्कर को अब समझ में आ गया, पकड़ कर रस्सी से बांध दिया. ठीक है. बी, डिस्कस अ स्टडी ऑफ द यूज ऑफ पर्टिकुलर मेथड. यस, इसके ऊपर एक स्टडी की गई थी ना, CPCMS का क्या यूज है इसको पूरा डिस्कस करा था. रेकमेंड अ कोर्स ऑफ एक्शन. क्या आगे हमको बताया गया था क्या करना चाहिए? बिल्कुल नहीं बताया था. देखो जब भी आप सी लगाओ ना तो आप सोचो अपने आप से कि क्या कोई कोर्स ऑफ एक्शन था यहाँ पे? क्या कोई रिकमेंडेशन दी थी कि ऐसा करना चाहिए? ऐसा तो नहीं था. रिजॉल्व अ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन. क्या कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन भी था क्या? वॉज देयर अ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन कि किसी को ऐसा लगता था किसी को वैसा लगता था? डी कई सारे बच्चों ने लगाया तो वर यू एबल टू आइडेंटिफाई एनी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन यहाँ पे? देखो
ऐसा भी नहीं हुआ था. ऑल राइट, चलिए अब हम अगला पैसेज करेंगे. दिस इज गोइंग टू बी स्लाइटली मोर अंडरस्टैंडेबल. ये थोड़ा सा ज्यादा एब्स्ट्रैक्ट हो गया था. All right, here we go. It's a two-part passage, guys. डिफिकल्ट है थोड़ा सा, बट इस तरह के पैसेज अगर समझ में आ गए तो क्लैट का कोई भी पैसेज आप अच्छे से कर पाओगे. और ये पैसेज मैं आपको समझाऊंगा अभी. All right, done. I'm waiting. I'm giving you 15 more seconds, guys. Aaram se padh lo. All right, moving on. Thank you.
देन ऑल राइट 15 सेकेंड्स मोर गाइस, आराम से पढ़ लो. कितने लोगों को समझ में आया, और अगर समझ में आया तो व्हाट इज द परसेंटेज दैट यू वर एबल टू अंडरस्टैंड, बिकॉज दिस इज वाज अ एक्साइटिंग पैसेज एट द सेम टाइम डिफिकल्ट पैसेज, इसलिए हमने करा क्योंकि हम इसको समझेंगे साथ में. तो कितने लोगों को समझ में आया, सुमित को 60, 70 आउट, आदि को, रिया को 50, चारित्व्य को 40. ऑलराइट, देखो गाइस अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो इट इज कंप्लीटली फाइन, है ना. ये ऐसा पैसेज है विच इज हायर देन द डिफिकल्टी लेवल ऑफ क्लैट, लेकिन अगर हमने इसको करने की आदत डाल ली, इसको थोड़ा बहुत समझने लगी ना, तो हमको क्लैट के पैसेज तो बिल्कुल बाय हाथ से आ जाएंगे समझ. ऑलराइट, यस, बाय आंख से आ जाएंगे, एक आंख खत्म करके आप इसे देख सकते हो. पढ़ रहा हूँ, आ जाएंगे समझ में, ठीक है. यस, वेरी गुड आदि, वेरी गुड. चलिए अब एक एक करके लाइन टू लाइन इसको समझते हैं. Comparable worth is a concept that rejects the premise of a separate and lower wage hierarchy for jobs that are done primarily by women, arguing instead that earning should reflect only the worth of the work performed. तो सबसे पहले क्या कर रहा है, comparable worth किसी एक argument को reject कर रहा है और दूसरी argument दे रहा है. वो किस argument को reject कर रहा है, वो इस argument को reject कर रहा है कि women जो job करती है उसके लिए कम पैसे देना चाहिए. और क्या बोलता है कि जॉब्स के लिए उस तरह से पैसा देना चाहिए जो उनकी वैल्यू है. तो काम की वैल्यू के हिसाब से आप काम के पैसे दो, ना कि इसलिए कम पैसे दो क्योंकि उसको विमेन परफॉर्म करती है. तो दिस इज लाइन नंबर वन विच सेट्स द इंट्रोडक्शन ऑफ द पार्ट. इससे हमको कंपेरेबल वर्थ समझ में आ जाती है. कंपेरेबल वर्थ क्या बोलता है कि जॉब को जॉब के हिसाब से पैसे देना चाहिए, मेन और वेमेन में डिफरेंस करके पैसा नहीं देना चाहिए. ऑलराइट, फिर देखते हैं. This worth should be determined by an evaluation system that rates job according to their social importance and skill requirements. तो फिर उसके बाद ये बोल रहे हैं कि जॉब को किस तरह से evaluate करेंगे. अब अगला सवाल तो ये होगा ना, हमने पहले क्या बोला comparable worth ने, कि जॉब को जॉब के हिसाब से पैसे दो, तो अब वो हिसाब कैसे लगेगा. तो वो हिसाब उन्होंने बताया है कि एक तो उसका social importance देखना कि जॉब कितना social importance है और उसमें कितनी skills की जरूरत होती है. ठीक है, तो जितना social importance है और जितनी skills की जरूरत होती है उसको आप ज्यादा पैसा दो, जिसमें इंपॉर्टेंस कम है और स्किल की कम रिक्वायरमेंट है उसको आप कम पैसा दो. ठीक है, बिकॉज कंपेरेबल वर्थ डज नॉट टेक ऑल फॉर्म्स ऑफ इनइक्वालिटी, इट कैन ओनली हैव अ मॉडेस्ट डायरेक्ट इफेक्ट ऑन द ओवरऑल डिग्री ऑफ इनइक्वालिटी इन सोसाइटी. तो आप बोल रहे हैं कि यार कंपेरेबल वर्थ क्या करता है, सारी तरह की इनइक्वालिटी पे थोड़ी ना अटैक करता है. वो इस बात पे अटैक थोड़ी ना करता है कि लड़कों को 10 बजे तक घर के बाहर रहने की आजादी और लड़कियों को 8 बजे ही घर पे बुला लिया जाता है, इस बात पे तो अटैक नहीं करता है. तो हर तरह की इनइक्वालिटी पे बात नहीं करता, वो सिर्फ वेज इनइक्वालिटी की बात करता है. ठीक है, बट इन अटैकिंग जेंडर इनइक्वालिटी इन द जॉब क्लासिफिकेशन सिस्टम इट अटैक्स अ मेजर कंपोनेंट ऑफ जेंडर इनइक्वालिटी इन द यूनाइटेड स्टेट्स. लेकिन फिर भी एक ये मेजर इनइक्वालिटी को तो अटैक कर रहा है. चलो यहां तक किसी को कोई डाउट है कंपेरेबल वर्थ में, हमको कॉन्सेप्ट समझ में आया कंपेरेबल वर्थ का? यस, ओके. The likelihood that other forms of inequality will become more manifest with the lessening of gender inequality is not a valid argument against comparable worth. तो author बोलता है कि कुछ लोग ये बोलते हैं कि अगर आप एक तरह की inequality को खत्म कर दोगे तो दूसरी तरह की inequality बढ़ जाएगी. अब ये तो कोई बात नहीं होती, author इससे agree नहीं कर रहा. ये क्या बात हुई, है ना, कि आपने religious inequality को खत्म कर दिया तो फिर gender inequality बढ़ जाएगी, gender inequality को खत्म कर दोगे तो religious inequality बढ़ जाएगी, ऐसा तो नहीं होता. तो author इस argument को reject करता है. Indeed, struggles for comparable worth may help launch campaigns against similar forms of inequity. On the other hand, author ये बोलता है कि अगर आपने comparable worth एक तरह की inequality को खत्म कर दिया ना, तो फिर लोगों को और हौसला बढ़ेगा और वो दूसरी तरह की inequality को भी inequality से लड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे. है ना, ऐसा थोड़ी होता है कि GK अच्छा कर लिया तो मैथ्स खराब हो जाएगा, मैथ्स अच्छा कर लिया तो GK खराब हो जाएगा. अगर आपके GK में मार्क्स आने लगेंगे तो आपको और मोटिवेशन आएगा ना स्टडी करने का, एंड देन यू विल स्टार्ट स्कोरिंग इन मैथ्स एज वेल. That's what is going to happen. ठीक है,
All right. Still, while conservatives have battled hard against comparable worth, radicals have been reluctant to fight for it because they see the narrow presentations in comparable worth litigation as the limits of the concept. तो यहाँ पे हमको दो तरह के लोग बोले, एक तो बोले conservatives जो कि इसके खिलाफ बहुत लड़ाई लड़ रहे comparable worth के, और एक radicals जो कि इसके लिए लड़ाई लड़ने की कोशिश नहीं कर रहे। सोसाइटी में हमेशा दो तरह के लोग होते हैं, एक होते हैं conservatives। कंजर्वेटिव वो होते हैं जो पुरानी तरह की चीजों को चाहते हैं, है ना, उनको सब चीजों को कंजर्व करके रखना, चेंज नहीं चाहते। और रेडिकल्स वो होते हैं जो हर चीज को चेंज करना चाहते हैं। आपके अंदर भी कुछ चीजों के प्रति कंजर्वेटिवनेस हो सकती है, कुछ चीजों के प्रति रेडिकलनेस हो सकती है। कुछ चीजें आप चाहते हो कि सोसाइटी में ऐसे ही रहे, कुछ चीजें हो सकता है आप चाहते हो कि सोसाइटी में बदल जाए, है ना। तो कुछ कंजर्वेटिव लोग होते हैं, कुछ रेडिकल लोग होते हैं। बट इन एडिशन टू हेल्पिंग रिड्रेस पर्टिकुलर इनइक्विटीज, कंपेरेबल वर्थ could open a discussion of the entire wage system. कि comparable worth भले ही wage system में कुछ inequities की बात करता है, लेकिन हो सकता है कि इससे पूरे wage system की बारे में discussion शुरू हो जाए। तो author ये बोल रहा है कि आप अगर एक चीज को सुधारोगे तो दूसरे चीज के सुधार के लिए भी रास्ते खुल जाएंगे। Its theoretical and political impact will reach far beyond the framework in which it was conceived and force a rethinking of the assumption underlying current employment practices and the market itself. वही वाली बात कि इसका ब्रॉडर इम्पैक्ट होगा। तो ऑथर ने हमको कंपेरेबल वर्थ समझाया, कैसे इवैल्यूएट होना चाहिए ये बताया, और ये आर्ग्यू कर रहा है वो कि इसको सुधारोगे तो दूसरी चीज सुधर जाएगी। पहला पैराग्राफ क्लियर हो गया पूरा, है ना। बहुत कॉम्प्लेक्स इशू के बारे में लिखा हुआ है ना, कंपेरेबल वर्थ एक फिलोसॉफिकल इकोनॉमिकल कॉन्सेप्ट है, फिलो इकोनॉमिक। चलिए अगला देखते हैं। हाउ कंपेरेबल वर्थ विल अफेक्ट द हायरार्की ऑफ वेजेस is more difficult to foresee. अब comparable worth hierarchy of wages को किस तरह से affect करेगा? Yes, radicals are not fighting for it. Yes, radical इसके लिए fight नहीं कर रहे क्योंकि उनको लगता है कि यार इससे सारी चीजें सही नहीं होंगी। Radical को कोई ऐसी चीज चाहिए जिससे सब चीजें ठीक हो जाए। Author का कहना है कि इसको तो सही करो, बाकी चीजें अपने आप फिर follow करेगी सही होना, ठीक है? Okay. अब हायरार्की ऑफ वेजेस को किस तरह से इंपैक्ट करेगी, हायरार्की मतलब कि ऊपर कौन सा वेज है नीचे कौन सा वेज है, ये अभी हम प्रेडिक्ट नहीं कर पाएंगे। ये हायरार्की का कॉन्सेप्ट को चैलेंज नहीं करती, इनफैक्ट ये बोलती है कि कुछ जॉब्स में आपको ज्यादा पैसा मिलेगा, कुछ जॉब्स में आपको कम पैसा मिलेगा। ये तो बोलती है ना हायरार्की होनी चाहिए। हाउएवर इट्स रिजेक्शन ऑफ द मार्केट एज एन एडिक्वेट बेसिस फॉर डिटरमाइनिंग वेजेस इनिशिएट्स अ डिस्कशन ऑफ हाउ वैल्यू शुड बी असाइन टू जॉब्स। लेकिन ये बोल देती है कि अभी जो मार्केट में काम चल रहा है कि आप विमेन के जॉब को कम पैसे दे रहे हो, ये गलत है। एडवोकेट्स ऑफ कंपेरेबल वर्थ हैव चैलेंज्ड प्रिवेलिंग स्टैंडर्ड्स ऑफ इवैल्यूएशन व्हिच देम फ्रॉम अ फॉर्मल जॉब ओबिलियंस फर्स्ट डेवलप्ड इन इंडस्ट्रियल सेटिंग्स। तो अभी जो एडवोकेट्स से कंपेरेबल वर्थ के वो बोलते हैं कि इंडस्ट्रियल सेटिंग में जो आपने शुरुआत में चालू करा था इवैल्यूएशन पैटर्न, वो ठीक नहीं है, है ना, बदलना चाहिए। दिस इवैल्यूएशन बेस्ड ऑन पॉइंट्स अवॉर्डेड फॉर डिफरेंट जॉब टास्क गेव कंसीडरेबल एम्फेसिस टू सच एक्टिविटीज एज स्ट्रेनस लिफ्टिंग एंड द ऑपरेशन ऑफ एक्सपेंसिव इक्विपमेंट, है ना। ये ओवेलियन या कुछ मिसप्रिंट है यार रिया, ठीक है। तो ये मिसप्रिंटिंग है थोड़ी सी, इवेल्युएशन होना चाहिए। तो इन इवेल्युएशन में क्या होता है, इस इवेल्युएशन में ज्यादा पॉइंट किसको मिलते हैं, जिसमें ज्यादा मेहनत से चीजों को उठाने की चीज हो, है ना, या फिर महंगे इक्विपमेंट को अगर आपको ऑपरेट करना है तो उस पर ज्यादा पॉइंट मिलते हैं। Consequently, the skills and knowledge more typical of a work done by women are less heavily emphasized. और इसलिए ऐसी skills और knowledge जो women जो job करती है उनके लिए चाहिए होता है, उसको emphasis नहीं मिलता है। The dictionary of occupational title reveal numerous current instances of such imbalance in job rating. तो बोल रहे हैं कि यार देखो क्या हो रहा है, problem क्या है कि जो main वाले jobs है ना, जिसमें उठाना पटकना रहता है चीजों को, उसको आपने बोला है कि इसमें ज्यादा skill चाहिए। जो विमेन वाले जॉब है नर्सिंग वाला टीचिंग वाला, उसमें आपने बोला कम स्किल चाहिए, तो ये प्रॉब्लम है ऑथर के हिसाब से, ठीक है। व्हाइल कंपेरेबल वर्थ एडवोकेट्स एक्सेप्ट द प्रिंसिपल ऑफ हायरार्की ऑफ वेजेस आर्ग्यूइंग ओनली दैट दे सीक मोर ऑब्जेक्टिव मेजर्स ऑफ जॉब वर्थ, तो वो यही बोल रहे हैं कि हमको हायरार्की ऑफ वेजेस से कोई मतलब कोई इशू नहीं है कि कुछ जॉब्स में ज्यादा पैसा मिले कुछ में कम पैसा मिले, इसमें हमको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमको ये चाहिए कि किसको ज्यादा मिल रहा है किसको कम मिल रहा है वो ऑब्जेक्टिवली डिसाइड हो, ऐसे हर कोई आकर के डिसाइड ना करते। The issues that they raise provoke a broader debate. This debate does not, as the opponents have claimed, concern the feasibility of setting up and applying the evaluative standards. और ये debate ये नहीं है कि आप ये standard कैसे निकालोगे,
एम्प्लॉयर्स हैव डन दैट फॉर सेंचुरीज. तो ऑथर का कहना है कि पहले भी स्टैंडर्ड था, है ना, तो स्टैंडर्ड आइडेंटिफाई करने में प्रॉब्लम नहीं है, स्टैंडर्ड तो पहले भी होता था. हम तो ये बोल रहे हैं कि स्टैंडर्ड को चेंज करना पड़ेगा. ठीक है, तो आपको ये तय करना होगा कि किस सोशल वैल्यू को, प्रायोरिटीज को आप देखोगे जब आप किसी भी वेज हायरार्की को अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हो. ठीक है, तो ये हमारे पॉलिटिकल इकोनॉमिक नोशंस को भी चैलेंज करता है कि आप पॉलिटिक्स में, इकोनॉमिक में किन चीजों को ज्यादा वैल्यू करते हो, चीजों को उठाने वाली चीजों को वैल्यू करते हो, स्किल्स क्या मानते हो, किसको नहीं मानते हो, ये सब चीजें देखनी होगी. ऑलराइट, इट वाज अ वेरी डिफिकल्ट पैसेज एंड इट इज कम्प्लीटली ऑलराइट इफ यू डू नॉट रिमेंबर एवरीथिंग, बट यू शुड रिमेंबर द ब्रॉडर पॉइंट कि कंपेरेबल वर्थ क्या है, ऑथर उसको क्यों सपोर्ट करता है और वो उसके बारे में क्या सोचता है. ठीक है, समझ में आ गया, क्लियर है क्या? हम क्वेश्चंस करने के लिए तैयार हैं. अब देखते हैं कि क्या क्वेश्चन हमारे आसानी से बन पाते हैं कि नहीं. इसके है ना, इसके बहुत सारे क्वेश्चन है. All right. Sneha, very well done. 4-on-4. Guruji, Himansh, Jayashiv, Pritam, Keshav, Adi, Charitavya, Shruti and Neeraj. I'm very happy to see कि वो बच्चे जो पिछली बार लीडरबोर्ड में नहीं थे अब वो लीडरबोर्ड में है ना. तो कुछ बच्चे पैराग्राफ में अच्छे होते हैं, कुछ पैसेज में अच्छे होते हैं. क्लैट अल्टीमेटली पैसेज टेस्ट करता है दोस्तों, तो पैसेज में अच्छा होना ज्यादा इंपॉर्टेंट है. इसमें से कौन सा पॉइंट समराइज करता है मेन पॉइंट ऑफ द पैसेज? The history of comparable worth closely parallels the history of changes in the structure of the economic system. Economic system कैसे बदला, उसकी history से parallel है इसकी history. ये नहीं बोला हमको comparable worth कब आया था, उसकी history भी नहीं पता है. The ultimate success of comparable worth depends on the public discussion of the historical conditions that led to its formulation. कि comparable worth ultimately तभी successful होगा जब हम इसके historical conditions के बारे में public discussion करेंगे. नहीं यार, सिर्फ डिस्कशन करने से कुछ भी नहीं होगा. कंपेरेबल वर्थ हैज सोशल इम्प्लिकेशंस दैट एक्सटेंड बियॉन्ड स्पेसिफिक एडजस्टमेंट टू द वेज हायरार्कीज फॉर मेन एंड वुमेन. दैट इज करेक्ट ना, कि ऑथर यही बोल रहा है ना कि आप कंपेरेबल वर्थ को सही करोगे तो बाकी चीजें भी सही होने लगेगी, कि रास्ते खुलेंगे. दैट्स व्हाट द ऑथर हैज बीन सेइंग सो फार, राइट गाइस? यही बोल रहा है ना ऑथर बार 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 बार. ठीक है, comparable worth is gaining adherence even though it has traditionally met with organized opposition. ki comparable worth mein ab naye log jodte ja rahe hain jabki hamesha se isko oppose kiya jata tha, aisa point bhi nahi bola hai, hai na, ki pehle iske liye oppose karte the log ab isse naye jodte ja rahe hain. This is not something that the author has claimed. aaya aap logo ko samajh mein? Have you been able to understand it? Hi Deepak, welcome to the class. Adherence is people who support it. All right, second question. Okay, मैं ये दिखाऊंगा नहीं क्योंकि मैंने समझाया था, तो आपको यहीं से आना चाहिए.
Yes, Deepak, it is. Sneha, Jayshiv, Pritam, Gurushi, Himansh, Charitavya, Adi, Shruti, Runakshi, and Durvish. Very well done. It can be inferred that the phrase, a separate and lower wage hierarchy for jobs that are done primarily by women, as used in lines 2 or 3 of the passage, most nearly means which of the following? Kya matlab hoga iska? That women typically receive less money than men do for doing jobs of approximately the same value. Ki same job ke liye women aur men ko alag alag paise mil rahe hain. Yahi matlab hua na iska? That there is a greater range of salaries for men than for women. Range of salary ka matlab kya hota hai? Agar iski baat sahi hai, to men ko paisa mil raha hai 20 rupaye se lekar ke 1000 rupaye tak ka. और वेमेन को पैसा मिल रहा है 20 रुपए से लेकर के 30 रुपए तक. तो ये रेंज होती है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट वैल्यू एंड द लोएस्ट वैल्यू. इसको हम रेंज बोलते हैं, है ना. तो रेंज अलग अलग है, ये नहीं बोला था. सी दैट देर आर फ्यूअर वेज अर्निंग वेमेन देन मेन इन द वर्क फोर्स. की फ्यूअर वेज अर्निंग वेमेन है कंपेयर टू मेन है, है ना. तो इन दोनों को नंबर को कंपेयर किया था क्या? नंबर को भी कंपेयर नहीं किया था. देखो कंपेयर 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 तो अब आपका सर दुखाने लगेगा इस पैसेज में. That men have traditionally been more likely than women to receive advancement on the basis of seniority. यार ये promotion वगैरह पे चलेगा यार, अभी promotion की बात ही नहीं हुई, अभी तो पहले salary वगैरह की बात चल रही है, promotion पे क्यों चला गया? हाँ तो ये भी सही नहीं होगा. All right, आगे बढ़ेंगे. क्या ये समझ में आ गया है आप लोगों को? Yep, चलो ये पैसे अगर आपने समझ लिया ना, तो this will significantly improve your critical reasoning. स्नेहा, प्रीतम, गुरुशी, हिमांश, आशुतोष, जयशिव, चारितव्य, सोहम, मिष्टी एंड आदि. वेरी वेल डन. चलिए, इन द फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ द पैसेज द ऑथर डिस्क्राइब द पोटेंशियल रोल एंड फंक्शन ऑफ कंपेरेबल वर्थ इन लैंग्वेज दैट मोस्ट ऑफन सजेस्ट. किस लैंग्वेज में करा था? ठीक है, इन्होंने बिजनेस सजेशन की तरह करा था ना, एन इवेल्युएशन सिस्टम. ये बहुत ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया था ना यहाँ पर, और क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया था तो ये आर्टिस्टिक इंडेवर्स तो नहीं हो सकता, जहाँ पे हम ब्यूटीफुल, सेरीन इस तरह की बातें करते. क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन भी नहीं हो सकता, क्योंकि क्रिमिनल में हम ग्लोरी, गोरी इस तरह के शब्द यूज करते. मिलिट्री ऑपरेशंस के शब्द भी यूज नहीं हुए थे, है ना. तो इट वॉज बिजनेस ट्रांजेक्शन वर्ड्स. ओके, वेरी नाइस रिया, गुरुशी, हिमांश, प्रीतम, वेरी वेल डन, स्नेहा, आदि, श्रुति, अनुभव, वेरी गुड,
Ashutosh, Abhay, and Jaiship. Very good. All right. It can be inferred from the passage that advocates of the comparable worth believe which of the following? They believe that a given kind of work has a particular inherent value to the employer or to the society, na? यही वो belief रखते हैं कि society के लिए एक same value होनी चाहिए, है ना? The market is more influenced by political and social forces now than it was in the past. This is an example of false comparison. हमें पुरानी और अब की situation में कोई comparison नहीं करके दी गई थी. Was there a comparison between how things used to happen earlier and how things are now? ऐसा कोई comparison तो नहीं था, है ना? So this is absolutely false. See, gender inequality in the United States is primarily a product of the current economic system. कि United States में जो gender inequality है, वो आज के economic system का एक result है. देखो, ये primarily पे गलत हो गया. आज के economic system का तो result है ना? लेकिन ये भी तो हो सकता है कि gender inequality के कारण आपका economic system ऐसा है. ये थोड़ी कि economic system ऐसा हुआ था तो gender inequality ऐसी हो गई. है ना? Cause and effect relationship हम नहीं निकाल सकते हैं यहाँ पर. Conservatives and radicals had the same reasons for not supporting comparable worth. नहीं, conservatives इसलिए करते हैं क्योंकि उनको पुराने जैसा रहना है, और radicals इसलिए नहीं करते हैं because उनको क्या लगता है कि यार इससे तो उतना चेंज होगा ही नहीं जितना वो चाहते हैं. तो दोनों के अलग अलग रीजन है, अपोजिट रीजन है. ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन. बहुत सारे क्वेश्चन होंगे. As used by the author in line 2 of the last paragraph, most objective, most nearly means. चलो last paragraph अब दिखा देते हैं क्योंकि थोड़ा समय हो गया. देखे इसको एक बार last paragraph को पढ़ लो और फिर question पे चलेंगे. Okay, going on. एक मिनट. ओके, सॉरी सॉरी सॉरी, वो अगला क्वेश्चन था. ठीक है, गुरुशी से लेकर के अनुभव तक. एज पर द ऑथर इन लाइन टू ऑफ द लास्ट पैराग्राफ, मोर ऑब्जेक्टिव मोस्ट नियरली मीन्स मोर क्वांटिफाइबल. दे ओनली सीक मोर ऑब्जेक्टिव मेजर्स ऑफ जॉब बर्थ. मोर ऑब्जेक्टिव का क्या मतलब हुआ? मोर क्वांटिफाइबल. ओके, डकार थी आ रही. Which of the following best represents the sort of question at issue in the broader debate? तब उसके बाद ही next line में बोला है कि इससे broader debate होगी, है ना? ये दिखा देता हूँ मैं आपको. Raise up, provoke a broader debate. ये broader debate क्या है?
Gurji, Himansh, Sneha, Jaisho, Pritam, Shruti, Abhay, Riya, Mishti, and Adi. Very well done. Which of the following best represents the broader debates? Kya likha hai yahan pe dekho? This debate does not ask the opponent and concern the feasibility of setting up and applying evaluative standard. Rather, the debate is about the social values and priorities underlying the bridge hierarchy and ultimately the market where age-old convention and political as opposed to purely economic forces enter the phase of setting the wages. So ultimately, we have to see what kind of political factors have impacted the relationship between wages and job evaluation rating. And what gains have been achieved in the struggle for comparable worth litigation? No. Will a new standard for job evaluation be any more workable? Ye bhi nahi. Or how will the balance of supply and demand be affected? Iske baare mein baat nahi ho rahi. Okay. Himansh, Sneha, Gurushi, Jaishiv, Abhay, Pritam, Adi, Shruti, Anubhav, and Riya. Riya, welcome to the leaderboard. According to the passage, which of the following is the most likely application of the notion of comparable worth? The detailed explanation of the various forces that guide the market. Ye nahi hoga. The formulation of attitudes about the role of supply and demand in setting wages. Ye bhi nahi. The establishment of political coalition in the struggle against inequity, the reassessment of job characteristic as a means for determining just compensation. हमने comparable work का यही application देखा था ना कि men और women को equal pay मिले same काम के लिए तो job characteristic को वापस से सोचा जाएगा कि किस strenuous चीज को ज्यादा पैसे देने हैं women like characteristic को ज्यादा पैसे देने किन skills को ज्यादा पैसे देने तो इन सब का reassessment होगा एक बार वापस से सोचा जाएगा कि किस चीज को ज्यादा पैसे देने और किस चीज को कम पैसे देने हैं चलो नहीं कहाँ से रिपीट कर दिया मैंने अंश गुरुषि स्नेहा अभय जयशिव प्रीतम आदि रिया श्रुति एंड अनुभव इट कैन बी इन्फर्ड फ्रॉम द पैसेज दैट द रेडिकल्स हैव नॉट सपोर्टेड कंपैरेबल वर्क बिकॉज़ दे व्यू इट इज बीइंग टू लिमिटेड एंड रिस्ट्रिक्टेड ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था कम ऑन दिस वॉज द इजिएस्ट क्वेश्चन अभी तक जो दिया था कि ये उनको क्या लगता है कि यार इससे फंडामेंटल चेंजेस नहीं आ पाएंगे सिस्टम में हाँ एक क्वेश्चन में एक्सप्लेन कर दिया था है ना unrelated to historical development that have molded the current economic system aisa nahi hai an integral part of the same system that has institutionalized various forms of inequity likely to undermine the unity of a reform move meant by polarizing the different interest group ye bhi nahi hoga all right next question pe chalte hain the author's primary purpose in the passage is to
ये दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, तो यहीं पे हमारी क्लास खत्म हो जाएगी गाइस. ऑलराइट, तो विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ द क्लास. लेट्स क्लैट इट अनअकैडमी, लेट्स क्रैक इट. अगर आप लोगों के कोई डाउट्स है तो आप पूछ सकते हो. साथ ही में मैंने एक डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग क्लास रखी है, अभी रेज हैंड पे आकर के आप लोग डाउट पूछ सकते हो, है ना. आइडियल स्कोर आज का क्या है? आइडियल स्कोर आज का होगा 7 मार्क्स. अच्छा, अभी मैंने एक डेडिकेटेड क्लास रखी है 6:45 पर, जहां पर आप अपने डाउट्स लेकर के आ सकते हो. इट्स कॉल्ड अनवरी संडे. यहाँ पर मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर करूंगा गाइस. ओके, तो 6:45 PM पर आई हैव अ डेडिकेटेड क्लास फॉर यू. आई विल स्टिल बी वेटिंग इन दिस क्लास टू क्लियर ऑल योर डाउट्स. अगर आपका कोई और डाउट भी है तो आप यहाँ पर मुझसे अपना डाउट पूछ सकते हो. यस आदि, इसमें भी अगर आपको रेज हैंड पे करना है तो कर सकते हो. मिशन 35+ 1 फरवरी से स्टार्ट होगा. क्या हम मिशन 35+ का टाइम 7 बजे कर सकते हैं गाइस? 7 बजे करने का भी प्लान कर रहा हूँ. विल इट वर्क फॉर यू? अच्छा, 7 बजे से प्रॉब्लम क्या है मुझे ये बता दो प्लीज. डेली नहीं होगी शिवांजलि. कौन कौन की क्लासेस हैं? उनकी क्लास डेली होती है? दीपा की अगली क्लास में करूंगा. बट डज शी टेक इट डेली? She takes it daily also, क्या? अच्छा, मिस्टी आई विल बी टेकिंग इट, है ना. वो कभी कभी होता है. इट्स अ स्पेशल फॉरेन पॉलिसी सीरीज दैट वाज गोइंग ऑन शिवांजलि. दैट्स इट. आई विल बी टेकिंग इट मिस्टी. 1 मिनट में. ओके मिश्री, आई एम इनवाइटिंग यू. यस मिश्री, हाय. हेलो. हेलो. यस मिश्री. हाय, गुड इवनिंग भैया. या मैंने अभी आप करंटली फोकसिंग ऑन द अदर लॉ एंट्रेंस टेस्ट जो अभी मई में है, तो उसके लिए आई हैव ओनली टेकन द अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन. तो इस पे भैया मुझे सिर्फ एक ही प्रॉब्लम आ रही है अनअकैडमी पे कि आई एम नॉट एबल टू क्लियर ऑल माय डाउट्स. लाइक कभी कभी तो होता है कि छोटे स्टेटमेंट्स होते हैं, तो दैट तो आई आस्क ऑन ग्रुप समटाइम्स और सम ऑफ माय सीनियर्स, बट कोई जैसे बड़े पैराग्राफ्स होते हैं जो मेरे को वैसे ही नहीं समझ आते, तो आई कैन नॉट गो इन द क्वेश्चन डायरेक्टली. तो उनके लिए मैं फिर क्या करूँ? Okay, and you can ask me from a teacher's room what happens then. Sorry, I didn't get it. Do you try asking it to your teachers? No, भैया, because अगर मैं यहाँ पे क्लास में भी लेकर आऊंगी तो how will you explain the whole passage in the class then? Okay, so are these passages from Unacademy only? No, भैया, from These are from various other other sources. books. Yes, sir. Yeah, so then it becomes a problem because teachers cannot take other copyrighted material, no? That will be like teaching another material.
So if in case you have taken an iconic subscription, you will be allotted a mentor. This is your one-on-one discussion. So then you can ask that mentor for explanation. That is also available. But I've taken a plus subscription for 12 months now. Then you can upgrade it to iconic. No problem. Okay. And abhi to offer bhi chal raha hai the code, so you can do that. You can upgrade it. Okay? Theek hai. I'll do that. Thank you. Any other doubts? Alright, any other doubt, you can raise your hand also. Yes, Deepak, इसके लिए भी 6:45 पे मैं क्लास लेने वाला हूँ, उसमें आप आ सकते हैं, उसमें मैं ये डाउट पे स्पेसिफिक आंसर करूँगा, ठीक है? तो 6:45 पे अपन मिलते हैं. Alright guys, so with this we come to the end of the class. Let's clap it. And again, let's clap it.